नमस्कार मेरे साथियों वो मेरे प्यारे पशुपालक पालक भाइयों मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर क्रोव साथियों आज मैं जिस डिजीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत से गाय और भैंस में ये आम समस्या हो जाती है और इस समस्या से हम किस प्रकार सफल हों तो साथियों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें शेयर करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें साथियों ये जो गाय है ये फर्स्ट टाइम की कॉलविंग की हुई है और ये सेकंड टाइम में कॉलविंग करेगी साथियों ये जो प्रेग्नेंट गाय है ये सेवेंथ महीने की है यानी सेवेंथ मंथ की है साथियों इसको प्रॉब्लम क्या है इसको प्रॉब्लम करीबन आठ दिन से है पशुपालक का कहना है कि जब ये गोबर करने की कोशिश करती है तो इसका गोबर नहीं निकलता है कभी कभी वाइट कलर का म्यूकस निकलता है और साथियों दो तीन दिन पहले इसके पेट में भी दर्द हुआ था दर्द होने के साथ साथ ये उठी बैठी उठी बैठी लेकिन ऑनर ने किसी प्रैक्टिशनर से भी इसका इलाज कराया लेकिन साथियों इसका पेट दर्द में आराम नहीं मिला अगर इसके दर्द को आराम मिला तो 24 फोर आवर्स बाद कुछ आराम मिला हमने देखा साथियों जब ये बैठी हुई थी अब इसको हम देख रहे हैं कि इसके रेक्टम में है क्या और रेक्टम का मूवमेंट कैसा है तो ये देखिए साथियों ये व्हाइट कलर का म्यूकस इसके अंदर से आ रहा है दूसरा साथियों ये क्यों आता है और इसका रीजन क्या है और इस गाय को प्रॉब्लम क्या है ये जो इस ये निकल रहा है सर साथियों उसके अंदर से मैं आपको इसको लकड़ी से भी दिखाऊंगा साथियों ये देखिए ये वाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है ये जो पास में नीचे इसके गोबर पड़ा हुआ था साथियों वो इस गाय का नहीं था वो किसी अन्य बफेलो का था गोबर लेकिन ये तो गोबर करीबन सात दिन से कर ही नहीं पा रही है साथियों थोड़ा जानने की भी कोशिश करेंगे पशुपालक भाई से भी आपका शुभ नाम क्या है प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार ये जो तुम्हारी गाय है इसको कितना समय हो गया आज बीमार हुए आए से समय हो गया दस दिन दस दिन तो दस दिन से इसने गोबर वगैरह किया है कुछ करवाया तो पर जो खा कम करवाए मतलब कब किया था गोबर परसों तो ना किया परसों से बिल्कुल नहीं किया पहले थोड़ा बहुत करती होगी ना परसों से नहीं किया और ये सफेद सफेद जो आम पटक रही है म्यूकस पटक रही है गोबर के रस्ते ये कितने दिन से पटक रही है ये से पट रही परसों से? परसों से. है? जब से बीमार हुई है तभी से आ रही है तो गोबर के संग आ रही हुई पहले आम आ, थोड़ी है ना बताती पहले थोड़ी आ रही है तो इसके पहले दर्द हुआ था क्या हुआ था शुरुआत में दर्द हुआ जब यानी आज से आठ दिन पहले दर्द हुआ दर्द हुआ और उस दिन से इसके कंटिन्यूस पेट में दर्द है मतलब दर्द बंद नहीं हो रहा है पैर भी मारती पेर है पैर लंबे करती है चारा वारा बिल्कुल नहीं खा रही है बिल्कुल, ना खा रही चारा बिल्कुल नहीं, है। नहीं खा रही है आज आठ नौ दिन हो गए ना ठीक अब देखते हैं इसका इलाज करेंगे भैया क्या समस्या निकलती है ठीक है साथियों इसका जब टेम्परेचर लिया गया तो इसका टेम्परेचर भी वन हंड्रेड पॉइंट फोर था टेम्परेचर तो साथियों जब कभी भी किसी गाय या भैंस को पेट की समस्या रहती है तो अक्सर करके देखा जाता है साथियों उसमें टेम्परेचर गिर जाता है और हमारे डॉक्टर्स भाई और प्रैक्टिशनर उसमें साथियों उसकी बीपी यानी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ नाइन्टी नाइन परसेंट में जब टेम्परेचर गिरता है तो वो पेट की कमी से गिरता है इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें साथियों क्योंकि ये भी एक अनुभव की बात है दूसरा साथियों जैसा कि पशुपालक पालक भाई ने बताया कि सात आठ दिन से परेशान है पेट में भी दर्द हुआ था इसके और पहले हल्का हल्का गोबर कर रही थी फिर उसके बाद में साथियों इसने गोबर भी करना बंद कर दिया और जब भी गोबर करने की कोशिश करती थी तो वाइट कलर का म्यूकस चिपचिपा डालती थी साथियों हाथ डल करके रेक्टम का मूवमेंट चेक किया गया तो रेक्टम का मूवमेंट बिल्कुल स्लो पड़ा हुआ था पेट की कंडीशन को देखा गया साथियों तो रूमन के अंदर जो मूवमेंट होता है हर दो मिनट में तीन बार साथियों वो भी बिल्कुल स्टॉप पड़ा था साथियों इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले इसको प्रॉब्लम क्या है साथियों ये जो हमारी आँत होती है इसका काम होता है भोजन को पचाने का जब कभी भी साथियों हमारी आंतें या तो टॉर्सन ले जाए या साथियों किसी पॉइंट पर वो चिपक जाएँ या पैरोनाइटिस कंडीशन में आ जाए तो साथियों जिस पॉइंट पर वो चिपक जाती है या पैरोनाइटिस कंडीशन बन जाती है साथियों उससे रेक्टम वाली साइड में गोबर आना बंद हो जाता है और पशु के दर्द स्टार्ट हो जाता है ये जो कंडीशन है साथियों ये बहुत ही टफ कंडीशन होती है इस बात का विशेष ध्यान रखें ये प्रॉब्लम केवल केवल आंतों में होती है और इसका इलाज क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ तो साथियों इलाज के रूप में हमें लेना है सिक्स बोतल एन एस जी हाँ साथियों सिक्स बोतल यानी थ्री लीटर नॉर्मल सलाइन को उसकी आईवी रूट से देना है और उसमें क्या क्या इंजेक्शन डलने हैं साथियों वो भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन आपको उसके साथ में सिक्स बोतल आर की भी लेनी है साथियों ये दोनों मिला के ट्वेल्व बोतल यानी सिक्स लीटर वाटर उसको आईवी वी रूट से देना है अब इसमें डालना क्या क्या है साथियों पहली एन एस बोतल में साथियों आपको फिफ्टीन एम यानी पंद्रह एम एल वेट आई रूट से देना है दूसरी बोतल एनएस में साथियों आपको सिक्स एम्पुल एसी लॉक के डाल देना है और तीसरी बोतल में साथियों आपको ट्वेंटी एम एल सोडियम एसिड फास्फेट एनएस में डाल करके आई वी देना है एंटीबायोटिक में साथियों आपको यदि लगाना है तो ट्वेंटी एम एल एंडोफ्लोक्सासिन इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं साथ में पेन किलर रूप में साथियों एन के थ्रू आप ट्वेंटी एम एन मैगुल फ्लिक्सोन मैगुलमाइन पशु की बॉडी में आईवी रूट से एनएस में डाल करके दे सकते हैं और साथियों अब इसको ओरली ट्रीटमेंट और क्या आपको देना है वो भी मैं बताता हूँ ये तो मैंने आईवी रूट इंजेक्शन बताए साथियों इंट्रामस्कुलर रूट में आपको एंड्रोफ्लोक्सासिन ट्वेंटी एम गर्दन पर लगाना है उसके साथ में टेन एम एल इंजेक्शन पशु की गर्दन पर लगातार तीन दिन तक इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर पेरीनॉर्म और एंड्रोफ्लोक्सासिन भी लगाना है और ये डिप जो है साथियों लगातार आपको तीन दिन देना है ओर्डली ट्रीटमेंट में साथियों आपको क्या लेना है शुरुआत करनी है प्रोनिल डी एस सीरप से जी हाँ साथियों लिवा ऑक्सीक्लोराइड साल्ट को आपको एक बार में से पिलाना है दूसरा साथियों मैग्नीशियम सल्फेट यानी सिक्स पाउडर डेढ़ सौ ग्राम का एक पैकेट में आता है साथियों उसे पचास ग्राम नमक में घोल करके गर्म पानी के अंदर पशु को सुबह पिलाना है और एक पैकेट डेढ़ सौ ग्राम की साथियों शाम को पिलानी है ये कंडीशन भी साथियों आपको लगातार तीन से चार दिन तक करनी है साथ में कॉलाइल सिरप को भी आपको दोपहर में एक बार में पूरा पलाना है पशु को ओर रूप से और उसके साथ में साथियों आपको डीफीड लिप सिरप वन लीटर इसे साथियों एक बार में पाँच सौ एम कम से कम हर दवा को हर दो घंटे बाद पलाना है एक साथ सारी दवा को ओरली रूप से न डिफिडलीफ सिरप को साथियों आपको दो खुराकों में पिलाना है 500 सौ एक दिन और 500 सौ अगले दूसरे दिन ये हुई साथियों आपको ओरली ट्रीटमेंट इसके साथ साथ और आप क्या दे सकते हैं साथियों आप आधा लीटर बकरी के दूध में 400 सौ कैस्टर ऑयल जी हाँ साथियों अंडी का तेल गर्म करके हल्का सा ठंडा करके ओरली रूप से आप दवाओं के डिफरेंट में कम से कम दो घंटे बाद आप उसको पिला सकते हैं और ये सारी दवा पिलाने के बाद में साथियों आपको पर डे पशु को एक डेढ़ किलोमीटर सुबह और एक डेढ़ किलोमीटर शाम को कम से कम एक से दो किलोमीटर की वॉकिंग करानी है यानी उसे घुमाना है साथियों इससे क्या होगा उसका रूकमन का मूवमेंट अच्छी तरह से चलने लगेगा दूसरा साथियों जितनी भी ओरली दवा हैं उन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक पिलाएं जीव को बाहर खींच करके न पिलाएं बल्कि जीव को उसी पॉइंट पर हल्का सा दाब करके ताकि हल्का सा जीव के अंदर मूवेशन रहे साथियों या आप भली बात जानते हैं इंसान हो या पशु हो निगलने के लिए जीव का सहारा लेता है यदि हम जीव को बाहर खींच लेंगे साथियों तो उसे निगलने में परेशानी होगी और वो डचिंग जैसी जो तकलीफ हो जाती है वो होने की समस्या ज़्यादा रहेगी साथियों पैरोनाइटिस कंडीशन अपने आप में बहुत ही टफ होती है इसकी पहचान सिर्फ़ ये होती है साथियों हो कि इसके गुदा मार्ग से केवल वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है बाकी ये जो ट्रीटमेंट है ये इसको बिल्कुल फिट कर देता है धन्यवाद